नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ प्रियंका माथुर। दिवाली की पूजा संपन्न होते ही सबसे पहले मनाया जाता है अन्नकूट या गोवर्धन पूजा का पर्व। इस पर्व पर विशेषकर मथुरा क्षेत्र के मंदिर और घरों में धूम मची रहती है। इस दिन गोधन यानी गाय की पूजा की जाती है, इसलिए गौशालाओं में भी इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। ये पर्व विशेषकर मथुरा क्षेत्र में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनता है। गोवर्धन भगवान कृष्ण के लिए मनाया जाता है। गोवर्धन और अन्नकूट मनाने की एक पौराणिक कथा बेहद प्रचलित है। इंद्र भगवान को कृष्ण जी की धरती पर हो रही लीलाओं और उनके मान से जलन हुई, इसलिए इंद्र देव ने मूसलाधार वर्षा कर दी। पूरा वृंदावन उस मूसलाधार वर्षा में डूबने लगा। तब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया तथा उनके सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक भी बूंद नहीं पड़ी। सभी गोप गोपिकाएं उनकी छाया में सुखपूर्वक रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है, उनसे बैर लेना उचित नहीं। तब श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपने कार्य पर बहुत लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से ये उत्सव अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि यदि इस दिन कोई मनुष्य दुखी रहता है तो वो वर्ष भर दुखी रहेगा, इसलिए हर मनुष्य को इस दिन प्रसन्न रहकर भगवान श्री कृष्ण को प्रिय अन्नकूट उत्सव को भक्ति पूर्वक तथा आनंद पूर्वक मनाना चाहिए। इस दिन बलि पूजा, मार्गपाली आदि उत्सव भी मनाए जाते हैं। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान करा के धूप, चंदन तथा फूल माला पहनाकर उनका पूजन किया जाता है। इस दिन गौ माता को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारते हैं और प्रदक्षिणा भी की जाती है। इस दिन गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर उसके समीप विराजमान कृष्ण के सम्मुख गाय तथा ग्वाल बालों की रोली, चावल, फूल, जल, मौली, दही तथा तेल का दीपक जलाकर पूजा और परिक्रमा की जाती है। इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 नवंबर को 4:18 से शुरू होकर 15 नवंबर को 2:42 तक है। गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को मनाई जाएगी और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:18 से 8:43 तक है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग बनाया जाता है। मान्यता है कि माता यशोदा बाल कृष्ण को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी, इसलिए 7 दिन के लिए 8 पहर के हिसाब से 56 तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। 56 भोग में मीठे, तीखे, खट्टे सभी तरह के व्यंजन शामिल होते हैं। इसमें चावल, दाल, चटनी, कढ़ी, शरबत, बाटी, मुरब्बा, मठरी, मिठाई, खुरमा, खीर, मक्खन, रबड़ी, मोहन भोग तक मुख्य रूप से शामिल होते हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।